शुरुआत करते हैं कि रावण को उसका नाम कैसे मिला। रावण का जो नाम उनके जन्म के समय रखा गया था वो था दशानंद। जब रावण ने लंका पर राज करना शुरू करा था तब वह भगवान शिवा से मिलने कैलाश गए। शिवा से मिलने से पहले रावण को शिवा के गेट कीपर नंदी ने अंदर जाने से रोका, क्योंकि शिवा अंदर ध्यान कर रहे थे। ऐसे में रावण ने अपनी भक्ति भावना साबित करने के लिए पूरे कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश करी। ऐसा करने से शिवा क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना पैर पर्वत पर टिका दिया। ऐसा करने से रावण के हाथ की कुछ उंगलियां पर्वत के नीचे कुचल गई और इससे रावण ने दर्द के कारण तेज तेज चीखें मारनी शुरू कर दी। रावण के दर्द की चीखें इतनी तेज थी कि वो पूरी पृथ्वी को हिला दी। दर्द में होने के बावजूद भी रावण ये सोच रहा था कि शिवा शांत रहे, और उन्हें खुश करने के लिए ही रावण ने उतने दर्द में होकर भी तांडव करना शुरू कर दिया। रावण को तांडव ध्वनि में देख शिवा को आश्चर्य हुआ कि कोई इतने दर्द में होकर भी दूसरे को शांत करने के लिए कैसे तांडव कर सकता है। उसी समय भगवान शिवा ने खुश होकर दशानन को रावण का नाम दिया। रावण नाम का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तेज दहाड़ हो।